स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से चैप्टर लिया है हमने स्टडी का इश्यू ऑफ शेयर। इसका सब टॉपिक आज हमने स्टडी करना है, जबकि हमें बताता है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। हमने शेयर फॉरफिटर का वो पैटर्न स्टडी करना है जहां पर हमने शेयर इशू एट पार किए हैं। अर्थात एट पार क्या होता है, कौन से शेयर इशू एट पार होते हैं। एट पार का मतलब यह है कि जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उतने भी शेयर इशू किया जाता है। किसी एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपीज है, फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है, उसे 10 में ही इशू कर दिया जाए तो ऐसे शेयर को हम कहते हैं इशू एट पार। जब ये फॉरफिट किए जाते हैं तो क्या होता है, जब शेयरों को फॉरफिट किया जाता है तो आपको पता है कि शेयरों को फॉरफिट करते वक्त शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। जी हाँ, जब शेयरों को फॉरफिट करेंगे वो उस समय शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है तो उस शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करना होता है, उस रकम को डेबिट करना होता है जो हमने कार्ड अप कर ली है। शेयरों पर जो रकम हमने मांगी है, कार्ड अप की है, उस रकम से शेयर कैपिटल को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट में वो चीजें आएंगी जो हमने प्राप्त नहीं की हैं, जो हमें शेयर होल्डर की तरफ से रिसीव नहीं हुई है। अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई तो अलॉटमेंट क्रेडिट में आ जाएगी, अगर कॉल सी कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो वो रकम हमारी क्रेडिट में आ जाएगी, और साथ में वो रकम भी क्रेडिट में आएगी जो हमें रिसीव तो हो गई है लेकिन हम उसे जब्त करने जा रहे हैं। एक एंट्री से समझने की कोशिश करते हैं और इसी से शेयर फॉरफिटर अकाउंट खुलता है। ये देखिए, एक जनरल एंट्री मैंने आपके सामने ली है। मैंने आपको कहा कि जितने शेयरों को हम फॉरफिट करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर हम फॉरफिट करेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कार्ड अप अमाउंट से। कार्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होती है जो कंपनी ने मांग ली है। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने उसमें केवल 7 रुपए ही मांगे हैं, तो 7 रुपए कार्ड अप अमाउंट होती है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई 7 रुपीज कार्ड अप अमाउंट, फिर इससे डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आपको पता है जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है, और शेयर कैपिटल के रिड्यूस होने पर हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये हम डेबिट हो जाएगा। सपोज करें हम साथ साथ यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई कार्ड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा वो अमाउंट जो हमें प्राप्त नहीं हुआ। मान लीजिए हमें शेयर अलॉटमेंट की रकम प्राप्त नहीं हुई, एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, वो तो यहाँ सारी रकम यहाँ आ जाएगी जितने कार्ड अप हैं। जो हमें प्राप्त नहीं हुआ वो ये हमारा क्रेडिट हो गया। शेयर अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुई तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर कॉल्स भी प्राप्त नहीं हुए अलॉटमेंट के बाद तो शेयर कॉल्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट में वो रकम क्रेडिट होगी जो हमें प्राप्त हो गई है, जो हमें प्राप्त हो गई है लेकिन हमने फॉरफिट कर ली है। ठीक है, द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड बट वी वांट टू बी फॉरफिटेड द अमाउंट, ये आ जाएगी शेयर फॉरफिटर अकाउंट में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं तो इस चीज को समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास 100 शेयर है और शेयरों की फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू जो उसकी शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपीज है, अर्थात ये 10 रुपीज की फेस वैल्यू और ये 10 पे इशू है, तो ये शेयर जो है एट पार पे इशू है। 10 का शेयर 10 पे इशू है, इट मींस एट पार पे इशू है। अब इस पे हमने मांगे हैं 7 कार्ड अप किए गए हैं। 100 शेयर पर अगर 7 रुपीज कार्ड अप किए जाएंगे तो ये अमाउंट हमारे पास यहां आ जाएगी 700 रुपीज। 100 शेयर पर 7 रुपीज कार्ड अप किए गए तो ये हमारे पास आ गई कितनी, 700 रुपीज की अमाउंट आ गई। अब हुआ क्या कि हमें ये एप्लीकेशन पे मांगे हैं हमने 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे हैं हमने 2 रुपीज और फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं फिर 2 रुपीज। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन की अमाउंट हमें रिसीव हो गई है, अलॉटमेंट की अमाउंट भी हमें रिसीव हो गई है और फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो पाई है। जो रिसीव नहीं होती वो नीचे की तरफ आती है। अलॉटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट अगर आपको रिसीव हो जाती है तो यहाँ नहीं आएगी, और जो जब में आपको रिसीव नहीं होती, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं होती क्रेडिट होती है। तो यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल की रकम रिसीव नहीं हुई है, वी कुड नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल की रकम कितनी थी, 200 रुपए की। ये 2 रुपए है, 100 गुना 2 200 रुपए, तो 200 रुपए हमें रिसीव नहीं हुए। ठीक है, बाकी हमें रिसीव हो चुके हैं,
थ्री एप्लीकेशन पे, टू अलॉटमेंट पे, इसका मतलब पांच रुपए की मनी हमें रिसीव हो चुकी है, और जो मनी रिसीव हो जाती है अगर शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो उनके लिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट खुलता है, ये रकम जब्त कर ली जाती है। 100 शेयर पर 5 रुपए रिसीव है, ये 500 रुपए हम जो है वो फॉरफिट कर लेंगे, मीन शेयर फॉरफिटेड विच आर इशू रेट पर। मेरे बच्चे अगर अलॉटमेंट में भी ना आती है, प्राप्त ना होती है अलॉटमेंट भी, तो एंट्री कुछ इस प्रकार से होनी थी। अभी ये तो मैंने आपको जो करके दिखाया वो तो मैंने कहा कि फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई। अगर मान लो हमें फर्स्ट कॉल के साथ साथ अलॉटमेंट भी नहीं मिलती, हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं मिलती, अलॉटमेंट भी 2 रुपए नहीं मिलती, तब एंट्री कुछ इस तरह से होनी थी, टू शेयर अलॉटमेंट जो कि प्राप्त नहीं हुई वो हम यहां लिख सकते हैं। 100 शेयरों पर कितनी अलॉटमेंट थी, 2 रुपीज की, फिर 200 प्राप्त ना होते, फिर कितने प्राप्त होते वो देख लेते हैं। हमें क्या प्राप्त होता, सिर्फ एप्लीकेशन 3 रुपए का, 100 शेयरों पर फिर 3 रुपए की एप्लीकेशन प्राप्त होती। अब ये 3 रुपए की रकम हम जब्त कर सकते थे क्योंकि वो आगे की अमाउंट नहीं दे रहा है, तो 100 शेयर पर हम 3 रुपए जब्त कर सकते हैं, कितने, 300 रुपीज। अब हमारा ये होता। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो वाया फोन आप मुझसे कॉन्टैक्ट